मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज प्रातः बहुप्रतीक्षित इंदौर मेट्रो रेल परियोजना का विधि विधान से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर इंदौर जिले के प्रभारी तथा गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी, स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट, लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक गण सर्व श्री रमेश मेंदोला, विशाल पटेल और संजय शुक्ला भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इंदौर के MR10 पर टोल नाके के पास इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। मेट्रो रेल बंगाली स्क्वायर से नैनोत, भवसला स्क्वायर, रेडिसन स्क्वायर और बंगाली स्क्वायर होते हुए जाएगी। अंडरग्राउंड सेक्शन की प्रस्तावित लंबाई 7.11 किलोमीटर रहेगी एवं प्रस्तावित स्टेशनों की संख्या 29 होगी। गांधीनगर से इंदौर रेलवे स्टेशन का एलिवेटेड सेक्शन का कार्य 31 दिसंबर 2022 तक पूर्ण होगा। अंडरग्राउंड सेक्शन इंदौर रेलवे स्टेशन से गांधीनगर का कार्य 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण होगा। डिपोर्ट लाइन का कार्य 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण होगा और सिस्टम लाइन का कार्य 31 अगस्त 2023 को पूर्ण होगा। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत 75,80,000 रूपए होगी। मैंने CII से कहा है, उनसे निवेदन किया है कि CII मध्य प्रदेश को अडॉप्ट करे और CII में विभिन्न कार्यक्रम करके जो एक विश्वास की आवश्यकता है, निवेश विश्वास से आता है, निवेश डिमांड करने से नहीं आता। तो मध्य प्रदेश में निवेश आए, आर्थिक गतिविधि बने और हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए MSME तो बहुत है, MSME के लिए पूरा रोल है कि लगभग मध्य प्रदेश की शक्ति जो है वो MSME है। बड़े उद्योग हमारे कम है, MSME ज्यादा है। आपने कहा MOU साइन नहीं होगा, आपने कहा किस तरह से कौन सी, मैंने कहा ये MOU का फंक्शन मैं बताऊंगा कि कितना जो इन्वेस्ट जो मैंने जिनको जिनसे निवेदन किया था जो मध्य प्रदेश में आए हैं, मैं उसको उस समय उजागर करूंगा और उनको कहूंगा आप बताएं और आप क्यों आए मध्य प्रदेश में। एक बड़ा आर्थिक संकट इस समय देश में चल रहा है, ऐसे में कैसे आप उससे निपटने में कामयाब होगा मध्य प्रदेश? देखिए मध्य प्रदेश इतने कम प्रभावित है क्योंकि हमारा कृषि प्रदेश है। अगर हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत रहा तुम्हारा मध्य प्रदेश मजबूत। सर वही बात एग्रीकल्चर की बात की, लेकिन ये जो पानी जो अभी आ रहा है वो क्या दूसरी बात है? बहुत बहुत बड़ी ये तो ऐतिहासिक वर्षा हुई है। मुझे कहा गया कि 70 साल इतनी वर्षा नहीं हुई, इसे हमें जो उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी हम करेंगे, हम जो मुआवजा देना है हम देंगे। सर मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक विवाद चल रहा है ये कोई राजनीतिक विवाद नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अपेक्षा करेंगे आप? जो विपदा आ रही है उसमें आपको